हमारे बीच में हमारे बहु विधानसभा के प्रत्याशी भाई सामने मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं माइक पे भी बोल सकता था लेकिन क्योंकि हमारे परिवार में अभी नुकसान हुआ है, हमारी माता जी का स्वर्गवास हो गया है, वहाँ पे बुजुर्ग थे और अभी परिवार को कष्ट हुआ है। अभी उनका माइक पे बोलना या ढोल नगाड़े पे जाना अच्छा नहीं। मेरे को बोले मेरा आपस का परिवार है, मैं बिना माइक के बात करूँगा, ठीक है ना? सब माता कर मैं बता दूँ, ठीक है। और आज इस चुनावी जनसभा इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे मंडल के अध्यक्ष नीरज पुरी जी, हमारे जिला के महामंत्री मेरे भाई पुष्पिंदर जी, मंडल के महामंत्री भाई नयन जी, अमित जी, अजय जी, मोहिंदर जी, कबरा साहब, लियाकत जी, नवीर सिंह जी, मुख्तार सिंह जी, मान सिंह जी और चेयरमैन हमारे पुतू साहब, हमारे पंच रानी हरी साहब, मेरी माता शक्ति नौजवान साथियों, रंजीत जी, विनोद जी, पूरी टोली जो है जिन्होंने मेहनत करके, क्योंकि चुनाव है, चुनावों में ऐसी सभाओं का आयोजन होता रहता है, बड़ी तादाद में आई मेरी मातृशक्ति। मैं कोई आपसे छुपा हुआ नहीं हूँ, इस पूरी बस्ती में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे नौजवान है, चाहे मेरी बहनें हैं, जिन्होंने मुझे पहले नहीं देखा होगा। अनेकों बार सुखी गमी आपके बीच में आते रहे हैं। 20 साल पहले एक गोलीकांड हुआ था, मैंने बच्चियों को अपने हाथ से उठाया था, किसी ने कोई छुपा नहीं। जब कोई डर के भी आगे नहीं आ रहा था तो हम जैसे कार्यकर्ता स्वयंसेवक जो है आगे आए थे, और कैसे जो बच्ची हमारी, एक मुझे बच्ची का भी नाम याद है, शायद सोनिया थी वो 14-15 साल की, उसको कैसे उसके झुग्गी में से निकाल के मैंने अपने हाथों से खून से लथपथ थी तो हॉस्पिटल पहुंचाया था। ये मैं सिर्फ इसलिए याद दिला रहा हूँ कि मैं कोई बाहर से आया हुआ चोला बदल के आया हुआ बेगाना नहीं हूँ, मैं आपका अपना हूँ। कोई और भी पहले यहाँ अपना था जो भाग गया है, भाग गया ना, अपनी जगह चोला बदल के किसी और बहरूपियों को भेज दिया है कि चिंता मत कर, वो लोग मैं जैसे मर्जी उंगली पे नचाऊंगा, वो कठपुतली है, मैं रातों रात बोल दूंगा, मेरी तो ये नहीं तो मैं, तो उनको आपने बताना है ये राजीव नगर किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये आपका राजीव नगर है। कोई लीडर सोचेगा कि उसके बाप दादा की जागीर है, वो सोया उठेगा सीधी उल्टी मुझे करेगा और किसी को भी चोला बदल के ले आएगा, वो अब राजीव नगर नहीं होगा। अब राजीव नगर उसके साथ चलेगा जो पिछले 30-35 वर्षों से
हर परिवार मेरे सामने पैदा हुए बच्चे बच्चियां बड़े भी हुए, वो काम पे भी लगे हैं, उनकी शादियां भी हुई हैं। मैं आपके खुशी और गम का साथी हूँ। वोट लेना वो कोई भी झूठे वादे करके वोट ले सकता है, लेकिन आपने अपने राजीव नगर में हमारे छाबड़ा साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, रंजीत है, विनोद है, सूर्य राणा जी है, हमारा हरीश है, हमारा वो चंदन है, कमल है, और कमल ही गिल्ला है, पप्पू मेरा भाई। इसलिए ये नहीं सोच रहा कि विक्रम रंधावा कौन है, ये सारे विक्रम रंधावा ही है, इनके नाम बदल बदल के बता रहा हूँ। ये सुबह उठते हैं, इनको को पूछा तुम्हारा नाम क्या है, ये कहते हैं विक्रम रंधावा। आप आज तक झूठ का शिकार हुए हो, जेड़ा भी आया उन्हें पुत्र दिता टुटाया और झूठा, झूठ का शिकार नहीं होना। आपके जो दो तीन मसले हैं, चाहे वो राशन कार्ड का है, चाहे वो पानी का है, चाहे यहाँ पे नशे का है, इन सारों से आपको निजात दिलाएंगे। एक एक परिवार का आधार कार्ड से जुड़ा हुआ राशन कार्ड बनवा के देंगे आपको खुद, एक एक परिवार का। हमारी बात ये मेरी बहन शारदा आई है, जिसको आपने काउंसलर पूछ के भेजा, वो पांच साल से घर नहीं बैठी, अपने लोगों के बीच में रही। ये बीजेपी के लोगों का कमाल होता है। पेंशन आपकी लगवाना वो मेरा आपसे वादा है, और पेंशन भी कितनी लगेगी, जो मोदी जी ने कहा है जम्मू कश्मीर की मेरी बहनों को माओं को पेंशन महीने की 3,000 रुपये लगेगी। इसके अलावा घर में जो बड़ी औरत है, माँ है, दादी है, उसको साल का 18,000 रुपया घर बैठे मिलेगा, जैसे किसानों को 12,000 मिलता है। सिर्फ आपके कागज बनाने की जरूरत, माता की जय। यहाँ के सभी कार्यकर्ता, आप बंटी को देखो और बबली को देखो, इधर बंटी भी है इधर बबली भी है, और सब देखो, हर के साथ देख लो। तो साथियों, मैं आप ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप देरी से इंतजार कर रहे हो और सामने तैतु ही झूठा पाना कोई नहीं करना, और फिर इधर हो मी पुहल पारी झूठा पाना कोई नहीं करना, कॉलोनी रेगुलराइज कराना ये सबसे पहला टारगेट होगा। ये जो छोटे छोटे घर बने हैं ना, जब कॉलोनी रेगुलराइज होगी, प्रधानमंत्री आवास के तहत 1.5 लाख रुपए का हर घर तैयार होगा, 1,60,000 रुपए। प्रधानमंत्री जी देना चाहते हैं, लेकिन पहले जो बचौलिए होते थे वो दिलवाना नहीं चाहते थे, वो बचौलिया सिस्टम खत्म करेंगे। आप चिंता मत करो, ये जो जिसको चोला बदले वाले को ला रहे हैं ना, उसको पूछ लेना कि तूने कितनी बार चोला बदला है। चोला तो वैसे एक ही बार झूठता है, लेकिन उसका 3 बार झूठ चुका है, चौथी बार की वो तैयारी में। इसलिए मन बना के रखना, मुझे पता है कि अपने बस्ती में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके इशारे में चल रहे हैं और बस्ती को खराब कर रहे हैं। गलत लोगों के हाथ मत लगना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको यकीन दिला दूं कि सीट आपकी जीती हुई है,
अब जोर ये लगाना है कि रजीम नगर के तीनों बूथ जीत रहे, तीनों जो वोट गांधीनगर वाले, त्रिकुटा नगर वाले, छन्नी वाले दे रहे हैं, बावे वाले दे रहे हैं, उसी से ज्यादा वोट रजीव नगर के लोग देंगे। तेलंगाना में आपसे ना बाहर हूँ ना आपसे दूर हूँ, सबको मेरा घर भी पता है, सबको मेरा घर भी। मेरी गारंटी है डॉक्टर दुर्विंदर, जिस दिन में ना मिली उसको पकड़ लेना, जो भी गारंटी होगी मैं हम खड़े इधर, रंजीत, विनोद, पंडित अशोक, बंटी, जितने भी हैं आपके कार्य है हम करके देंगे, छाती ठोक के करते अब सुनिए सुनिए ओ मां मेरी, ओ बुआ, ओ मासी, बड़ा रौला बन गया, सुन मेरी गल, सुनो ज्यादा ना अब नारेबाजी नहीं करेंगे, अब जिंदाबाद नहीं करेंगे, सामने घर में डेथ हुई है, किसी की मां चली गई है और हम नारेबाजी करें वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने माइक नहीं चलाया। तो हम दोबारा मिलेंगे तीन चार दिन के बाद, एक दूसरे मोहल्ले में दोबारा प्रोग्राम करेंगे, और इधर वो खादिम कितने खादिम हाजिर नहीं, नहीं मैंने फोन किया ना कि सर जल्दी आओ, चलो करने राजा। तो आपसे एक ही वादा है कि अपना वोट बेचना मत, अपने बच्चों का फ्यूचर बेचना मत, आप कोई भी है वो ये सोचता होगा मैं पंच हूँ तो मैं जो मर्जी कर लूंगा, अब पंच का पंचनामा हो चुका है, अब उसका फटका कर चुका है, उसको बोलो कि सही रास्ते में चलेगा तो तेरी मानेंगे, नहीं तो तेरे को ठोकेंगे, बोल देना उसको, चलो तेरा पंचनामा हो चुका है, तेरे पास कोई पावर नहीं है, हमें बेचने का कोशिश मत कर, क्योंकि वो हो सकता है ऊपर सौदा करके आ जाए और आपकी गारंटी उठा ले, उसकी बातों में मत आना, मेरा कोई कार्यकर्ता आपका सौदा नहीं करेगा, ना ही आपके नाम पे पैसा लेगा और ना ही मैं देने वाला हूँ, ये भी सुन लेना। मेरा आपसे हर परिवार से रिश्ता है, आपने अपने बेटे और भाई को वोट करना है, देश के लिए वोट करना है, प्रधानमंत्री के लिए वोट करना है, जिसने सब कुछ देना है, इन्हें पल्ले का खड़ी, इन्हें देना कुछ है। तो मेरा यही निवेदन है, अभी ज्यादा समय नहीं लेंगे, अभी हमने कुछ लोग सामने वाले घर जाएंगे, आप लोग अपने घरों को जाइएगा, एक हफ्ते के अंदर आपके मोहल्ले में बड़ी मीटिंग दोबारा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।